ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਕਵਿਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ।
हाथ उच्चे कर गई, हाथ उच्चे करके बच्चे का मतलब बोले ₹500 का इनाम जितेंद्र को जी पिंकी भंज दे गए हैं। ₹100 न्यांग सिंह वालों आया, ₹100 और मेरे वीर जी वालों आया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करांगा ज्ञानी प्रणाम सिंह हटगंती साहब नू कि इस बच्ची का सन्मान करे, नाल मेरे साहब सरदार चरणजीत सिंह जी ग्रोवर साहब नू बेनती है नाल सन्मान करे जी। ग्रोवर साहब सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी पहुंचे ने जी हैं, होर इनाम आया। मैं बेनती करांगा बबलीन कौर बच्ची जिन्होंने पहला पूरी टीम आई थी, उन्होंने बेनती है वो भी आके सन्मान लेंगे। ग्रोवर साहब तो दर्दी साहब बेनती है कि आके सन्मान करेंगे नाल। बोले सो निहा आ रहे जी, बबलीन कौर जी बच्ची आ जाओ जी नाल, आ रहे जी बच्ची बच्ची दे दो जी आप जी कितने जी बबलीन कौर नीचे आओ बेटे, आ रहे जी नीचे आ गए, इन्हों भेज दो अगे बच्चे दूजे लो सभी बच्चे फड़ा दो। संगत वालों इनाम आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आओ जी बबलीन कौर जी सभी बच्चे इनाम दो। आ जाओ जी बच्चे, आ जाओ जी बच्चे सारे आ जाओ बच्चे जो इधर ले बबलीन कौर जी आयो। बोले सो निहां मैं हम बेनती करांगा जो पहला गतका खेड़ के गए ने रंजीत अखाड़ा शहीद बाबा हनुमान सिंह जी, उन्होंने बेनती है। ग्रोवर साहब एक मिनट जी वीर जी, ग्रोवर साहब दर्जी साहब बेनती है। मैं बेनती कर हरविंदर सिंह बब्बू वीर जी उन्होंने बेनती है नाल आएंगे। आ जाओ एक सम्मान करना जी, एक जी सरोपा देना आ जाओ जी। ग्रोवर साहब आओ जी, जिन्हां सिंघां ने पहला गतका खेडिया इधर दे जी, आ जाओ बबू जी नाल आ जाओ। दर्दी साहब बेनती आ जाओ जी नाल जी। हाँ जी आ बच्चे जी एक सरोपा हो दौ जी, आ जाओ जी नाल भी जी। मनेजर साहब चलो पाओ जी सरोपा पाओ जी। बोले सो निहां बच्ची सानू बड़े वधिया ढंग दे नाल समझा के गई है कि सानू मां दादी दी सिखिया है सिर दे के धर्म बचाईदा, सानू मां दादी दी सिखिया है सिर दे के धर्म बचाईदा। ओ जद जुलम हदां नू टप जांदा फिर हाथ तेग नू पाईदा। लो आओ अगला गतका अखाड़ा आ रहा है रंजीत अखाड़ा बुढ़ा दल, जथेदार बलदीप सिंह जी दीप इंदर सिंह जी। पुरातन इतिहास के मुताबिक जिहड़ियां संगतां उपर बैठियां बेनती है कि थले आ जाओ कुर्सियां ते बैठो जी।
छोटा मोटा तू नलायक होता कैसो राज नहीं होता तू डर के जाएगा रोता तेरा तेवर है सिंह पोता चलपुरी पचावा जो भाजी चारी इंदरा मैं मोड़ दोहरावा वो मैं सुखा सिंह महताब सिंह की पाया दोहरावा बल बख्शी मैनू सतगुरु ना चेत बुलावा अपने आप मिशन जो कर लिया गुरु के लाला ने लाला ने अपने शास्त्र साफ करके शास्त्र साफ का गुरु नानक ने अमरदास राम दस होए अज रात गोबिंद सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण भाई इस तरह सब दुख जाए बहादुर सिमरिया घर लोन दिया सब खाई होए सहाय सब खाई होए सहाय सिमर के दसे सतगुरु सिमर के शहीदा अमृता तुर पे ने ¡Vamos!
ਛਤਰ ਨਰਜਿਓ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਨ ਕੋ ਡੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆਤੰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਜੇ ਜੁਜਾਰ ਰਗੜਨ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰੁੱਤ ਜਗਦਨ ਜਵਾਨ ਜੁਜਲ ਜੁਜੁਕ ਨਾਰਨ ਨਿਸਾਨ ਨਵ ਸੰਸਾਰ ਮਗਦੰ ਮੂੜ ਮਕਰਾ ਚਕਾਰ ਅਗੜਦੰ ਏਕ ਹੱਥ ਕੈ ਵੀਰ ਰਗੜੰਗ ਰੋਸ ਕੀਨੇ ਕਾ ਹੀਰ ਅਗੜਦੰ ਏਕ ਹੁੱਕੇ ਅਨੇਕ ਸਗਦੰ ਸਿੰਧ ਬੇਲਾ ਵਿਵੇਕ बोले सो
निहाल हो जावे, काली बाबा फूला सिंह दे मन नु भावे निहाल हो जावे। बोले सो निहाल। साध संगत जी उन्होंने इन्ना जोर लाता तुहानू आनंद नहीं आया, आनंद आया तो हाथ खड़े करके बोले सो निहाल। बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी प्रणाम सिंह जी हेडगंती साहब गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब स्टेज की शोभा उधार ने, पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी, उन्होंने नाल सरदार चरणजीत सिंह जी ग्रोवर वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल फॉर्म, भवनीत सिंह जी गोलूवीर जी, श्री गुरु तेग बहादुर सेव जथा बलदीप सिंह जी दीप, खालसा अकाल पुरख की फौज रमिंदर सिंह जी कोचर, नरिंदर सिंह जी खालसा शताब्दी कमेटी वालों पहुँचे ने सारियां नूं, जी आयां नूं, हरविंदर सिंह जी बब्बू रणजीत होटल वाले, जतेंद्र कौर जी पिंकी भैन जी, भाई साहब भाई जगमोहन सिंह जी कथूरिया पहुँचे ने सारियां नूं, जी आयां नूं। मैं हुण बेनती करांगा सत्कार सहित सरदार चरणजीत सिंह जी ग्रोवर जी नूं कि वो अगले प्रोग्राम की जिनी देर तक स्क्रीन तैयार होंदी है, स्क्रीन तैयार हो रही है 5-4 मिनट के विच, तो आप जी के रूबरू होणगे जिन्हां ने सानू इस काम के लिए प्रेरिया कल ही कि आप नाटक कराइए, तो सारे ने रल के इस उपराले की सहयोग दिता है, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्नियां संगतां आईयां सारियां का बहुत धन्यवाद। सारे ने बेनती है कि अजे हुण शुरू होना है, पता किहड़ा राज करेगा, राज करेगा खालसे का राज देखना सी। राज करेगा इस पवित्र स्थान ते हाजरियां भर रहे मेरे वीरों भैनों प्यारे बच्चों ते सत्कारयोग बजुर्गो, मैं समझदा कि तुसी अजोके समय दी जड़ी पीढ़ी हो ओ सब तो वद खुशकिस्मत हो, खुश नसीब हो कि थानू अपने जीवन काल के दौरान सब तो वद सिख जरनैलों ते गुरुआं दियां शताब्दियां मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया है। अज इसे लड़ी दे विच श्री अकाल तख्त साहब जी दे हुकम दे अनुकूल ते सिखां दी धार्मिक पार्लीमेंट श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उलीके गए इन्हां धार्मिक समागमां दे विच अज तुसी खराब मौसम दे बावजूद ते साडे वालों थोड़े जे समय अंदर दिते गए सदे नूं प्रवान करदिआं होइआं अज दे इस समागम दी रौनक नूं वधाया है। मैं पटियाला शहर दियां समूह जथेबंदियां जिन्हां ने एक मत हो के एक मंच तों ये प्रोग्राम आप जी दे संगतां दे सामने रखिआ है, जिन्हां दे विच इंटरनेशनल सिख फॉर्म जिन्हां दी अगवाई साडे सारिआं दे बहुत ही परम सत्कारयोग पद्म श्री जगजीत सिंह जी दर्दी, जिन्हां ने हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान तो बाहर बाकी सूबियां दे अंदर भी अपने नाम दी एक वखरी पहचान कायम कीती है। उन्हां तो इलावा गुरु तेग बहादुर खालसा जथेबंदी मोतीबाग साहब दे भवन प्रीत सिंह जी, उन्हां तो इलावा बाबा बलजीत सिंह जी ते हरविंदर पाल सिंह जी मिंटी ने यह सांझे तौर ते प्रोग्राम उलीक के आप जी दी झोली विच पाया है। मैं इस मौके ते ज़्यादा समा ना लैंदा होया क्योंकि मैनू लगता है 2-3 मिनटां दे विच ही सजड़ी स्क्रीन है ओ अज दा ये जो लाइट एंड साउंड नाटक है राज करेगा खालसा ओ शुरू होण जा रहा है। सिर्फ इस नाटक दे बारे एक मिनट दे विच थोड़े नाल एक गल सांझी करनी चाहांगा। ये नाटक साढ़े बहुत ही परम सत्कारयोग पंजाब राज बिजली बोर्ड दे एक सेवा मुक्त सीनियर अधिकारी सरदार हरविंदर सिंह जी सेठी दी कलम द्वारा लिखा गया है ते उन्हां वल्लों ही इस नाटक दी जड़ी निर्देशना कीती गई है। इस तो इलावा उन्हां दी कलम वल्लों लगभग
10 धार्मिक नाटक जिन्हां दे विच राज करेगा खालसा ते महाराणी जिंदा कौर जी, जसा सिंह जी आलूवालिया, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ते हिंदी एडिशन दे विच होर बहुत सारे नाटक लिख के उन्होंने हिंदुस्तान दे बाकी राजां दे विच जाके लगभग इस दे 200 एपीसोड है जिहड़े उह संगतां दी झोली पाए है ते सिख विरसे तों हिंदुस्तान दे बाकी सूबियां दे विच रह रहीआं वख-वख भाषावां दे लोकां नूं सिख इतिहास तों जाणू करवाया। सो अज मैं मंच वल्लों सरदार हरविंदरपाल सिंह जी दा, मंच वल्लों सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी वल्लों, ज्ञानी प्रणाम सिंह जी वल्लों ते बाकी सारे प्रबंधकां वल्लों इस मंच तों उहनां दी शलांघा करदा होया उहनां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि वाहिगुरू करे कि उहनां दी कलम दे विच आउण वाले समयां दे विच उहनां दी कलम दी गति दे विच वाधा होए ते उह संगतां दी इसे तरह ही सेवा कर सकण। हुण मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही परम सत्कारयोग पदम श्री सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी ते साडे बहुत ही परम सत्कारयोग हैड ग्रंथी ज्ञानी प्रणाम सिंह जी 2 मिनट मंच ते आणगे, 2 शब्द अपने मुखारबिंद चों सांझे करनगे ते अज दे नाटक दी आगाज करन दी जिहड़ी रस्मी प्रवानगी है उह वी देणगे। मैं बेनती करांगा कि 2 मिनट सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी संगतां नूं अज दे इस प्रोग्राम ते आशीर्वाद भी देणगे ते नाल ही ज्ञानी प्रणाम सिंह जी सानू सारिआं नूं अपने मुखारबिंद चों 2 शब्द सांझे करके अज दे इस नाटक नूं आगाज करन दी प्रवानगी देणगे। मैं इतने शब्दां नाल आप सारिआं दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद करदा, बेनती करदा दर्दी साहब नूं कि उह 2 शब्द साडे नाल सांझे करनगे। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੰਟੀ, ਸਾਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰਿਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
18वीं सदी के सिख कौम के महान जरनैल सुरबीर योधे सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया तिना दे 300 साल जन्म शताब्दी के मौके पर अज दे इन समागमों में जुड़ बैठी गुरु सवारी गुरु खालसा सात संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सानू सतगुरु पातशाह जी ने सुभाग बख्शिश किया शताब्दियां बनाने का अवसर सानू अपने जीवन के प्राप्त होया। जो सिख कौम की सरमार जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचिया सेवा सुसायटिया समुचिया संप्रदावान निहंग सिंह जथेबंदियां समूह संस्थावान सिख संगतां नाल लै करके सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जो रामगढ़िया मिसल के बानी होए उन्होंने 300 साल जन्म शताब्दी जिहड़ा है वड्डी पद्धर ते मनाया जा रहा है। सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जिन्हां ने ओ दिल्ली का तख्त जिथों बैठ करके जुल्म दे जड़ा सी कीता जांदा और जड़े तरह तरह के उत्थों फैसले सुनाए जांदे ओ तख्तों ताउस नूं पट करके धन गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों के विच लिया के रखिया अते सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया ऐसे सुरबीर महान योधे सन जड़े कोई भी जां किला आरंभ करदे किला उसारदे ते उहदे नाल धन गुरु रामदास पातशाह जी दे राम तों नां लैके राम रौणी का किला बनाया। रामगढ़िया का बुंगा आपां वेखदे हां ओ जिहदा नाम राम रौणी किले का रामगढ़ पिया। सो इस करके उन्होंने बड़े महान जिहड़े कार्ज किए सुख सिख कौम का जिहड़ा नाम है वह रोशन किया। ऐसे सुरबीर योधे का 300 साल जन्म शताब्दी की समूह संगतां नूं लख लख वधाई होवे। सो इस 300 साल जन्म शताब्दी नूं लैकर के खालसा जिहड़ा मार्च है फतेह मार्च दिल्ली तो आरंभ होया पड़ा दर पड़ा चलदे आ अज गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब विखे रात्रि दे विश्राम लई पहुंचे। सवेर कल सवेरे 9 बजे इथों अगले पड़ा की रवानगी होवेगी। इन्हां समागमां नूं लैकर के पटियाला शहर दीआं समुचियां संगतां ने प्यार सहयोग बख्शदियां बहुत ही सत्कारयोग पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह जी दरदे बहुत ही सत्कारयोग सरदार चरणजीत सिंह जी ग्रोवर बहुत ही सत्कारयोग मेरे वीर दीप जी बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरविंदरपाल सिंह जी विंटी समूह सरदार हरविंदरपाल सिंह जी बब्बू जी खड़े हैं। सारियां ने बड़ा प्यार सहयोग दिंदिया होए सारे समागम जिहड़े ने नाल रल मिल के करन दा उपराला कीता। जदों परसों बहुत थोड़े टाइम दे विच जिहड़ा है असीं मीटिंग बुलाई सारे पहुँचे तो सारिया ने विचार किया कि क्यों ना गतके की प्रदर्शनी ते राज करेगा खालसा ये नाटक खेते जिहड़ा है मंच तो संचालित किया जाए। सो इन्होंने पूर्ण विशेष तौर पर जिहड़ा सहयोग किया सारी जिहड़ी सेवा निभाई इन्हां रल मिल के वीर ने निभाई है। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी के चरणों अरदास है कि सतगुरु पातशाह समुचे संगतां नूं समुचे इन्हां वीरां नूं गुरु साहब चढ़दी कला बख्शन इसे तरह चढ़दी कला दे वी सेवा करदे रहन। अज जिथे आपां इह 300 साल जन्म शताब्दी सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया की मना रहे हैं उत्थे धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव साहब पातशाह जी सतगुरां जी का पावन प्रकाश गुरपुरब अते इह बिद सुनकै जाट रोठ भगती लागा मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा भगत धन्ना जी का जन्म दिहाड़ा अज गुरचरणा में जुड़ करके मना रहे हैं। धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी के पावन प्रकाश गुरपुरब के अते धन धन भगत धन्ना जी के जन्म दिहाड़े की भी समूह संगतां नूं लख लख वधाई होवे। सो आओ हुण राज करेगा खालसा नाटक आप संगतां इस मंच तो जिहड़ा है बड़े प्यार नाल बैठ के देखोगे। समूह संगतां दा समूह प्रबंधक जणां दा समूह सहयोगियां दा गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब के समुचे प्रबंध वालों बहुत बहुत धन्यवाद संगतां नूं जी आया। सरदार जगजीत सिंह जी दरदे सो अगला जिहड़ा प्रोग्राम है हरविंदरपाल सिंह जी विंटी जो स्टेज की सेवा निभा रहे ने आप जी नूं दसणगे जी। सो सारिआं नूं जी आया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंग जी समां बहुत चुका है मैं बेनती करांगा सत्कारयोग ज्ञानी प्रणाम सिंह जी हटगंती साहब नूं कि वह सारिआं दा सन्मान करनगे। सब तो पहला सरदार जगजीत सिंह जी दरदी नाल गरोड़ साहब नूं बेनती है कि दरदी साहब का सन्मान करनगे। आओ जी बोले सो निहाल। इस तो बाद बेनती करांगा सरदार बलदीप सिंह जी दीप खालसा अकाल पुरख की फौज
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥੂਰੀਆ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਸਤਾਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਾਰਸ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਹੈਰੀ ਡੀ ਜੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਾਰਸ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਰਤਾਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਰੀ ਜੀ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ, ਹੈਰੀ ਜੀ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਮੈਂ ਬਿੰਟੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਸ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਤਾਰ ਟੀ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਬਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਟਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।
एक दो कर लेना जी। बोले सोनिया, लो जी तैयारी हो चुकी है, तुसी एक बारी दस दो सारे, देख तेग पंथ की राज करेगा, राज करेगा, लो जी राज करेगा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाही खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी एक जोरदार जयकारा छड़ो कि जो खालसे नू राज मिलिया या राज उन्होंने खोया उवें नहीं खोया गया, बहुत थोड़ी गिनती मार्ग पैर तरी जय सिर्धी जय कान नकी जय, सिर्धी जय कान नकी जय, सिर्धी जय कान नकी। पंजाब दी हुकूमत, दिल्ली दी हुकूमत ते तीजा अफगानिस्तान दी हुकूमत, लेकिन इन्हां सारिआं विचों लड़दे झगड़दे उन्हां ने किवें राज अपना घड़ लिया अज तुसीं देखोगे। जिन्ने मेरे वीर उपर बैठे ने कृपा करके थले आ जाओ तो बहुत आनंद आएगा सानू भी, कोई संगत थोड़ी है लेकिन फिर भी जिन्नी है बहुत है। ये मौसम है बरसात है सर्दी सिखा कुछ नहीं कहती, बहु माँ दिया रात साहबजाद ने ठंडे बुरज में कट्टिया माता गुजरी जी ने, बुजुर्गों ठंड बहुत लगती है तो माता गुजरी जी भी उस वे ठंडे बुरज से छोटे साहबजादे से, अत की गर्मी सी तो गुरु अर्जन पातशाह ने तत्ती तवी का सेक भी झल्या, कल्लू घर असी बहुत कुछ देखा, तो बारिश है मीह बदल सू कुछ नहीं कहते। 1716 बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहादत तो बाद एक लंबा समा संघर्ष चलता है, घट्टो घट 50 साल, वो 50 साल का इतिहास की है सानू पढ़ाया जां दस्या नहीं जाता, बस तुहानू असीं दिखावांगे इस नाटक के जरिए। नाटक ना कहो इन्हूं इक प्रेजेंटेशन कहो, नाटक के पात्र कल्पित होंदे ने लेकिन सारे इतिहासक पात्र होणगे, इहदे विच थोड़ा बहुत एडजस्ट करन लई असीं कुछ ऐड कीता लेकिन बाकी 90% तां प्योर हिस्टरी होगी। हाँ जी तैयारी है, हाँ जी हाँ, तो लो पेश करते हैं। इस तो पहले एक जयकारा, बोले सोनिहाल, तो आओ देखते हैं जी राज करेगा खालसा। राज करे सुरमा अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ।
रहेगा खालसा या की रहे न कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए बचे शरण जो होए बचे शरण जो होए बोले सोने खा इतिहास कौमां दी जिंद जान होया करदा है जेड़ी भी कौम अपने इतिहास नू भुल जांदी है ओ दुनिया दे नक्शे तो हमेशा लई अलोप हो जांदी है इसे लई समुचे से कौम गुरबाणी पढ़न दे नाल नाल अपने इतिहास नू भी याद करया करदी है हर रोज अरदास करदियां ए दुराया जांदा है जिना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आर्या नर चीरे गए तिना दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु ए विशाल देश हिंदुस्तान जिसनू सदियां तक विदेशी हमलावर लुट दे रहे सन सदियां दी इस लुटमार ने मेरे देश वासियां दी अणख नू मिट्टी विच मला दित्ता सी उना दे हौसले पस्त कर दित्ते सन ते उना दी जुर्रत खत्म कर दित्ती सी ए विदेशी हमलावर मेरे देश वासियां नू काफर कह के शरेआम कतल कर दिंदे जबरी धर्म परिवर्तन कर दिंदे ते साडियां बहु बेटियां नू उधाल के लै जांदे मुगल हमलावर बाबर दा खूनी हमला ता गुरु नानक साहब ने खुद वेख्या सी जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो पाप की जंज ले काबल ताया जोरी मंगे दान वेला लो देख तो सही कितनी मोटी मोटी आंखें हैं छोड़ दो मुझे नहीं मुझे छोड़ दो जाने दो कश्मीरी सेब जैसे तो गाल है इसके छोड़ दो मुझे छोड़ दो अरे तुझे तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा छोड़ दो मुझे अरे जन्नत में रहेगी जन्नत में नहीं चाहिए जन्नत खून पसीने का भी है नानक रात का कुंभू पाए वेला लो साहिब के गुण नानक गावे मास पूरी विच आख मसोला बाबर वल्लों कीती गई कतलेआम नू देख के गुरु नानक देव जी ने रब नू लंबा दे दिता सी खुरासान खसमाना किया हिंदू
हौली हौली ये मुगल हमलावर देश दे हाकम बन गए ते सिखां नाल हकूमत दा टकराव शुरू हो गया। सिट्टे वजों गुरु नानक साहब नू बंदी खाने रहना पिया, गुरु अर्जन देव जी नू तत्ती तवी ते बैठना पिया, ते गुरु तेग बहादुर जी नू दिल्ली दे चांदनी चौंक विच शहीद कर दिता गया। पिता गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत दे समय 9 साल दे सन गुरु गोबिंद सिंह जी। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी पर जोबन विच आए तो उन्होंने इस जालम मुगलिया हुकूमत दियां जड़ां पुट देण दा निश्चा कीता। उन्होंने विसाखी वाले दिन सारिया संगतां नू आनंदपुर साहिब पहुंचण दा हुक्म दिता ते सारिया संगतां हुम हुमा के आनंदपुर साहिब वल चल पईआं। सब संगतां चलियां आनंदपुर नू, गुरां दे सदे आए सब संगतां चलियां आनंदपुर नू, सब संगतां चलियां आनंदपुर नू, गुरु गोविंद जी आए सब संगतां चलियां आनंदपुर नू, सब संगतां चलियां आनंदपुर नू। नीला कोड़ा बांका जोड़ा, नीला कोड़ा बांका जोड़ा, हाथ विच बाज सुहाए सब संगतां चलियां आनंदपुर नू, सब संगतां चलियां आनंदपुर नू, सब संगतां चलियां आनंदपुर नू, सब संगतां चलियां आनंदपुर नू। चारे पासे संगता ही संगता दिसदियां ने। ओहो बई कठ तां बहुत भारी है। हां बई हां कठ तां बहुत भारी है। हुई 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 चारे पासे तंबू ही तंबू, कनाता ही कनाता नजर आ रही ने। ओ देख सामने बैठे ने गुरु जी, दूर ही किन्ना जलाल नजर आंदा है। देख दी खुशबू आ रही है, लगता है कथा दा भोग पै के हटिया। भाई बैजो बैजो भाई बैजो, भाई देख दा सारिया नू मिलूगी। बैजो 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 भाई बैजो 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 बैजो। हैं वाह की गुरु जी तो हाथ विच नंगी तलवार लेके खड़े हो गए ने। ओ देख किवे गर्ज के कह रहे ने, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, अकाल पुरख दा हुक्म है धर्म दे प्रकाश लई ते दुष्टां दे नाश लई, खालसा पंथ दी साजना करा। ओ अगे भी तो सुन की कह रहे ने, मेनू एक सीस चाहिदा, है कोई गुरु दा सिख जो अपना सीस भेट करे। ओए मैं तुहानू पहले ही कहा सी भाई सिखां दी हुण खैर नहीं, ओए गुरु जी तां आप ही सीस मंगन लग पए ने। ओ चुप कर, गुरु जी जो करणगे ठीक ही करणगे। लै देख लै कोई नहीं उठिया सिर देण नू, जान सब नू प्यारी हुंदी है। ओ देख एक सिख उठिया। ओए आ तां दया राम है। दया राम? हां लाहौर वाला खत्री। ओए गुरु जी दे दीवान च रोज कथा सुनन आया करता है। ओ खत्री तां सिर देण गई, इना दा धर्म जुआ लड़ना मरना। ओए ओए ओ देख गुरु जी ने इनू बांह तो फड़े ते किधरे लेके चले ने। तंबू च लेके चले ने, तंबू च। तलवार चलन दी आवाज सुनी। ओ देख ओ गुरु जी तंबू चो बाहर निकले ने, लहू नाल लिपड़ी तलवार है उना दे हाथ च। हां भाई तलवार तां लहू नाल लिपड़ी हुई है। लगदा दया राम तां गया इस दुनिया च। ओए गुरु जी ते भरोसा रख, गुरु जी जो करनगे ठीक ही करनगे। ओ देख फिर ओही गल कर रहे ने गुरु जी, ललकार रहे ने एक शीश होर चाहिदा।
ਉਹ ਦੇਖ ਧਰਮਦਾਸ ਉੱਠਿਆ ਜੱਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮਦਾਸ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੰਬੂ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਓਏ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਦੇਖ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲਹੂ ਚੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਂ ਓਏ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਉੱਠਿਆ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਝੂਰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਜਹਾਨੋ ਓਏ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ਆਪ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਓਏ ਆਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਹੁਣ ਓਏ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗਣਗੇ ਓਏ ਸੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕੋਈ ਓਹ ਦੇਖ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਮੌਕਮ ਚੰਦ ਹੈ ਛਿੰਬਾ ਮੌਕਮ ਚੰਦ ਸੁਣਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀਸ ਬੜੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨਾਈ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਂ ਉਹ ਆ ਕੀ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮੜਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਨ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨਾ ਯੂੰ ਉੱਠੇ ਸਿੰਘ ਪਵਕਾਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਡਰ ਪਾਨਾ ਤੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਛੇਦ ਕੇ ਅਕਾਲ ਜਪਾਨਾ ਆ
सरपंथ चलायन बड़ सूर गुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला बोले खंडतार होए जन्म सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला बोले खालसा पंथ दी साजना तो बाद मुगलिया हकूमत तिल मिला उठी उसने सिखां नूं कुचल देण दा हुकम जारी कर दिता सिट्टे वजों मुगलां ते सिखां विचाले एक फैसला कुन जंग शुरू हो गई हजारां सिंह लड़दे हुए शहीद हो गए ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो छोटे साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चिण दिता गया फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरखंड दी इट नाल इट खड़का दिती ते मुगल हकूमत दियां जड़ा हिला के रख दितियां पर जित बहुता समा ना रह सकी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं गिरफ्तार कर लिया गया ते भयानक तसीहे दे के शहीद कर दिता गया इसे दौरान सिखां दे सिरां दे इनाम रख दिते गए ते सिखां नूं फड़ फड़ के मारिया जान लगा पंजाब विचों केसा तारी सिख अलोप होके रह गए एक पुरातन स्रोत विच दर्ज है केसन वाले जो नर होई बाल बिरद लब छड़ियो ना कोई गयो खालसा खिंड पुंड सारा जो अड़ियो सो गयो मारा मुगल सिपाही खिंडे होए सिखां दा शिकारी कुत्तियां वांग पिछा कर दे ते दुखां दे मारे सिख भुखे प्यासे अपने परिवारां ते बच्चां समेत दौड़दे जा रहे सन बस दौड़दे जा रहे सन कदी शिवालक दियां पहाड़ियां विच कदी मालवे दे टिब्बियां विच ते कदी दरियावां दे कंडे जंगलां विच इस तरह 20 साल दा समां गुजर गया पर सिखां ने हार नहीं मन्नी उठदे बहिंदे उहनां दे मूंहों यही आवाज निकलदी राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा लगदा असी भी हुण जंगलां च मर मुक जावांगे जे पिंडां नूं जांदे आ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘੋ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਫਤਿਹ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਹ ਵੇਖੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਸਮਝੋ ਓਏ ਪੋਲਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜ ਅਜੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ 20-20 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੂਣ ਘਿਓ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਖੁਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਵਾਂਗੇ ਓਏ ਸਿੰਘੋ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਣਾ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇਤਾ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ
जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाए। दसम पातशाह दे वचन ने राज करेगा खालसा, याद रखियो ये वचन जरूर सच होंगे। सिंगो चढ़दी कला विच सोचे चढ़दी कला हुंदी है, ते टेंदियां कला बारे सोचिया टेंदियां कला विच ही जाईदा। ओए ये जंड दियां फलियां नहीं, ये ता जलेबियां ने, जलेबियां मिठियां मिठियां जलेबियां। दिया फटिया होया लीड़ा नहीं, ये ता कीमती दुशाला है, दुशाला कीमती दुशाला। ये कखां दियां कुलियां नहीं, ये ता शीश महल ने, शीश महल। वाह जी वाह, वाहेगुरु तेरा शुक्र है। ते फकीर सिंह आज तो तेरा नाम होया अमीर सिंह, चढ़दी कला वाला नाम। जी जत्थेदार जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सिंगो चढ़दी कला विचों गुरु दी बख्शीश है, सब आनंद मंगल है जी। ए है साडा सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, चढ़दी कला वाला सिंह, कौम दा बादशाह बनेगा एक दिन। सिंगो लंगर छको। की बनाया लंगर च? बड़ा स्वाद पुलाव बनाया, छक के देखो। हैं? ओए ता छोले ने? ए छोले नहीं ओए, ए ता बदामा वाला देसी पुलाव है, छक के ता देखो। बड़े स्वाद ने भाई। पुलाव। छको छको सिंगो छको। सिंह साहब जी खबर मिली है कि पापी जकरिया खान तड़प तड़प के बहुत बुरी मौत मरे है। पापी को मारने को पाप महाबली है, बहुत जुल्म कीते ने उसने। सिंह साहब जी हुन मौका है, सानू मुखबरां काजियां ते मुलाणियां नू सोधना चाहिदा है। मुगलिया हुकूमत दे तिखे दंद एही ने जो साडियां बोटियां नोचदे ने, ए दंद भन्न देने चाहिदे ने। जस्सा सिंह तेरी गल बिल्कुल ठीक है, इस तो पहला के लाहौर दा कोई नवा सूबेदार हुकूमत संभाले, सानू ए कारवाई तुरत फुरत कर देनी चाहिदी है। मैं लाहौर विचले इन्हां दे टिकाणियां दा पता कर लिया। रामा रंधावा, साहब राय, करमा छीना, हर भगत नरंजनिया, काजी ते मुलाने सब खत्म कर दियो। चलो सिंगो देर ना करो, बोले जनाब जकरिया खान वेले तां लहरां बहरां लग गईयां। मुखबर सिपाही चौधरी सब माला माल हो गए। हुण देखो सूबेदारी किसनू मिलदी है। जनाब मेरा ख्याल है जकरिया खान दा बेटा याया खान ही सूबेदार बनेगा। ओए ओ ता जकरिया खान तो भी बद जालम है। हुजूर फिर ता मौजा ही मौजा। मौजा ता तुहानू सिंह ही करवाऊंगे। चलो सिंगो हुण करमे छीने दे घर चलिए। हाल है भागवान ने 40 रुपये है। 40 रुपये? एने पैसे कित्थो ले आए? बस तू पूछ ना, रख ले। एने पैसे ता खेती बाड़ी करके 5 साल विच भी कठे नहीं हो सकदे। कितो चोरी ता नहीं कीती? मैं कदी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं कीता, बस नवा काम शुरू कीता है। नवा अपने कोल बड़ी सारी हवेली होवेगी, जमीन जायदाद होवेगी, घोड़ियां होनगियां सैर करन नू। एहो जिया केड़ा काम शुरू कीता है कि बुक्का भर भर के पैसे मिलन लग पे ने? जेड़ा काम बड़े बड़े चौधरी करदे ने। केड़ा काम? जेड़ा काम साहिब राय संधू करदा है, रामा रंधावा करदा है,
हर भगत जंडियाले वाला करता है। बुझारता क्यों पाउना है? बे सिद्धी तरह दस केड़ा काम। सरकारी सुईया बन गया मैं, मुखबर, मुखबरे खास है। वे किदी मुखबरी करनी है? सिखां दी। वीर पे नाम है एक सिख दी मुखबरी दा। बस सिख पढ़ाओ ते नगद इनाम पाओ। दो सिख पढ़ाए सी, नाल दी नाल 40 रुपए मिल गए। दुर फिटे मुंह तेरे, चक मेनू नहीं चाहिए पैसे। ओए कमलिया, सिख तो अपने वतनी भरा ने, अपने भरावां दी मुखबरी करेगा? मैं कोई नवा काम नहीं करन लगा, सदियां तो लोग ये काम करदे आए ने, ते आज भी करदे ने, सदियां बाद भी करदे रहेंगे। इन्हां नूं सदियां पहला भी लोकी लानता पाउंदे सी, आज भी पाउंदे ने, ते सदियां बाद भी इन्हां नूं लानता ही पैणगियां। देख करमिया, ये काम छड्ड दे। नहीं नहीं, मैं नहीं छड्डांगा ये काम। जे सिंह आ गए ना तो तैनूं छड्डणगे नहीं। लै आ गए ने सिंह, लै इनाम अपनी मुखबरी दा। करमिया, पर करमिया मैनू तेरी मौत ते कोई अफसोस नहीं। जे तू जिंदा रहिंदा तो पता नहीं अपने किन्ने भरावां नू होर मरवाउंदा। हजूर को लाहौर की सूबेदारी मुबारक हो। दीवान लखपत राय, आप तो हमारे वालिद के समय से ही लाहौर के दीवान हो, आपकी राय हमारे लिए अहम ही रहेगी। ये तो हजूर की फिराक दिली है। हजूर, हजूर। बोलो। सिखों ने लाहौर शहर में कत्लेआम मचा दिया है। रात के समय में भेष बदलकर लाहौर के मोची दरवाजे से शहर में दाखिल हुए और मुखबर, काजी, चौधरी सब कत्ल कर दिए। या अल्लाह, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इस वक्त कहाँ छुपे हैं सिख? हजूर, खबर मिली है कि अहमदाबाद के नजदीक जंगल में है और गुरुद्वारा रोड़ी साहब की तरफ जा रहे हैं। दीवान लखपत राय जी, हजूर, हुकूमत में ऐसा कौन सा शख्स है जो सिखों को सबक सिखा सके? हजूर, ये काम तो मेरा छोटा भाई जसपत राय बाखूबी कर लेगा, वो अहमदाबाद का फौजदार भी है। दीवान जी, इन सिखों को कुचल दो, इनामों से माला माल कर दूंगा। ठीक है हजूर। जसपत राय, मुल्तान विचो सिखां नूं कुचल दियो, तैनू मुल्तान दा दीवान बनाया जा सकदा है। मैं लाहौर दा दीवान, तू मुल्तान दा, ते सूबेदार साडे हत्थां दी कठपुतली। ठीक है भाईजान, मैं तुहानू निराश नहीं करांगा। ता जाओ जल्दी कूच करो। ठीक है भाईजान। जत्थेदार जी, जसपत राय ने भारी फौज नाल सानू घेर लिया है, ते कह रहे अपने आप नू साडे हवाले कर दियो। उस नू लिख के भेज दियो कि तेरे नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं, तू ता साडा वतनी भरा है। ठीक है जत्थेदार जी। जनाब सिंघा ने आ खत भेजिया है। की लिखिया है इस विच?
दीवान जसपत राय तुसी भी साढ़े वतनी भरा हो साड़ी तो हाड़े नाल कोई दुश्मनी नहीं असी तीन चार दिन दे भुखे हाँ बस शहर विच खाने दाने का प्रबंध कर रहे हैं सवेर हुंदिया तक असी रोड़ी साहब तो निकल जावांगे ओए सिखो तुसी ता मेरे घेरे विच हो मैं ता तुहानू कतल करके तुहाडे लम्मे केसां दे रस्से वट के सूबेदार कोल पेश करांगा ते इनामां नाल माला माल हो जावांगा सिपाहियो अगे वधो कुचल दिओ सिखां नू बस निबाहू सिंह सिंगो जसपत राय ता मारया गया जसपत दी मौत तो बाद लाहौर दी हुकूमत तिल मिला उठेगी इस तो पहला कि ओ साडे ते मोड़ में हमला करे पहला वांग अपने परिवारा समेत अपो अपने टिकाने ते पहुंच जाओ हजूर, हजूर, सिखों ने जसपत राय का सर कलम कर दिया जसपत राय मैं खत्री लखपत राय कसम खांदा हां कि जब तक सूबा लाहौर दी धरती तो सिखां दा नामो निशान नहीं मिटा दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठांगा आज तो बाद हर सिख बच्चा बुढ़ा जवान औरत मेरे दुश्मन हन सिखो मैं तुहानू ते तुहाडी सिखी नू नेस्तो नाबूद कर देंगा या अल्लाह अब काफिर ही काफिर को मारेंगे हमारा काम तो और भी आसान हो गया दीवान जी सारी फौज आपके हवाले आपको पूरे अख्तियार दिए जाते हैं इन सिखों को खत्म कर दो सिपाहियों इलाके दे चौधरियां नु हुक्म कर दियो के उना दे इलाके विच कोई भी सिख जिंदा न रहे कोई भी शख्स गुरबानी नहीं पड़ेगा गुरु या ग्रंथ दा नाम नहीं लेगा लाहौर शहर दे सारे सिख मेरी हाजरी विच कतल कर दिते जान ये ऐलान हकूमत का ऐलान ही समझा जाए इस समय गुरु ग्रंथ साहिब दी कोर बेअदबी हुई लोकां दे घरां विचों बाणी दियां पोथियां लब लब के अगन पेंट कर दित्तियां गईयां गुरु अते ग्रंथ कहण ते पाबंदी लगा दित्ती गई ते लाहौर शहर विच रहिंदे सारे ही सिखां नूं कतल कर दित्ता गया बचे खुचे सिखां ने परिवारां समेत कानूवान दे छंब विच पनाह लै लई पर मुगल फौज ने छंब नूं घेरा पा लिया ते बच निकलण दे सारे ही रस्ते बंद कर दित्ते छंब दे इक पासे पहाड़ी इलाका सी दूजे पासे शूकदा होया दरिया सी ते बाकी दोहां पासियां तों मुगल फौजां ने घेरिया होया सी घेरे नूं 3 महीने बीत गए सन सिखां दे कोल बचण दा कोई राह नहीं सी पर सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ते सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया वर्गे सियाने आगू मौजूद सन जत्थेदार जी बहुत बुरी हालत है 3 महीने हो गए ने छंब विच अनाज दा भोरा नहीं रहा मावां भुखियां ने छोटे बच्चे विलक रहे ने देखे नहीं जांदे जत्थेदार जी लूहां चल रहियां ने बुजुर्गां दा बुरा हाल है ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘੋ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਟੈਂਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿਆਂਗੇ बोले सोनिहाल
जथेदार जी ओह देखो जथेदार जी मुगलां ने जंगलां नू अग ला दित्ती है। अग दे लांबू आसमान नू छू रहे ने। अग साडे वाली वादी आ रही है जथेदार जी। ठहर जाओ सिंगो, हिम्मत नहीं हारनी, हालात दा मुकाबला करना है। चलो सिंगो पहाड़ा वल वध्या जाए। जथेदार जी पहाड़िए उच्चे पहाड़ा तो गोलियां ते पत्थरां दी बौछार कर रहे ने, असीं अग्गे नहीं वध सकदे। ठीक है सिंगो, जे पहाड़ा वल नहीं वध सकदे तां दरिया वल रुख किता जाए। ठीक है जथेदार जी। ठहरो सिंगो, इस बिपता दी कड़ी च अपने होशो हवास कायम रखियो, जल्दबाजी च दरिया च घोड़े ना ठेल दियो। पहला देख लिया जाए कि दरिया कित्थों पार हो सकता है। जथेदार जी, पहला मैं अपने घोड़े समेत दरिया विच छलांग लगावांगा। शाबाश भाई गुरदयाल सिंह। बोले सोनिहाल, जथेदार जी गुरदयाल सिंह दा रुड़दा जा रहा है। वाहे गुरु। जथेदार जी एक कोशिश होर कर लेनी चाहिदी है। ओ सामने दरिया दी चौड़ाई ज्यादा है ते डूंघाई घट जापदी है। ठीक है, एक कोशिश होर करके वेखो। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। एक ही जत्थेदार जी ए भी रुड़ गया। वाहे गुरु। सिंगो, टल्ले वालिए गुरदयाल सिंह ते हरदयाल सिंह ने अपनिया जाना दे के खालसे दा जानी नुकसान होण तो बचा लिया। सिख कौम हमेशा इन्हां नू याद करती रहेगी। बोले जथेदार जी ओ देखो सरकड़ा किवें तू तू करके चल रहा। सानू इत्थों जल्दी निकलना चाहिदा। जथेदार जी पहाड़ ते चढ़िया नहीं जा सकदा, दरिया पार नहीं हो सकदा, अग विच्चों लंघिया नहीं जा सकदा। ते चौथे पासे ओ वेखो मुगल फौजा साडे ते बंदूकां ताणी खड़ियां ने। तुसी ठीक कहंदे हो सिंह जी, पर इत्थे रुकिया भी तां नहीं जा सकदा। इत्थे रुकना ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਤਸੀਸ ਵੱਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਘੋ, ਹਮਲਾ! Yeah!
लंबी दिया तारा हर था जो पड़ता है सिखी दा बूटा। जथेदार जी बहुत भारी नुकसान होया, बच्चे बीबिया ते सिंह खो खो के मारे ने वैरिया ने। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, कुछ सिंह तो बच ही गए हैं, हुन खालसा राज दी मशाल भी बलदी रहेगी। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। सिंगो अजय रुकना नहीं, चलो दरिया दे नाल नाल चलदे होए पत्तन तक पहुंचिए। सिंगो जल्दी करो। बहुत गर्म है रेता। शाबाश शाबाश। वाहेगुरु वाहेगुरु। पानी हिम्मत करो हिम्मत करो। वाहेगुरु शाबाश शाबाश शाबाश। सिंगो पानी डट के पानी। वाहेगुरु। जथेदार जी जेठ महीने दिया तुप्पा ने रेता बहुत गर्म है, तुरना बहुत औखा हो रहा है। जथेदार जी पैरां विच छाले पै गए ने। बस 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 थोड़ी जी हिम्मत होर करो, थोड़ी जी हिम्मत होर करो। शाबाश शाबाश। हो सामने दरिया का पत्तन है, पहुंचने वाले हैं। लो लो आ गया दरिया का पत्तन। वाहेगुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है वाहेगुरु तेरा। बोले सो निहाल। श्री अकाल। कानू वान दे चंब विच वापरे इस कहर नू छोटा कलूकारा कह के याद कीता जांदा है, जिस विच 15,000 दे करीब सिंह शहीद हो गए सन ते जख्मियां दी तां कोई गिनती ही नहीं सी। छोटे कल्लू घरे दी याद विच कानूवान विखे एक यादगार भी मौजूद है। छोटे कल्लू घरे दौरान फड़े गए सारे सिंघां नू लाहौर शहर दी कतलगाह नखास चौंक विच लियांदा गया, जिथे उन्हां सारयां नू बेरहमी दे नाल कतल कर दिता गया। पर बचे हुए सिख अकाल पुरख दे भरोसे यही कहा कर दे, सुनो खान तेरा राज ना रहसी, तेरा गढ़ जुलम दा एक दिन टैसी। ते सचमुच मुगलिया हकूमत दे पाप दा गढ़ तां टह टेरी हो चुका है, पर खालसा पंथ पूरी दुनिया अंदर चढ़दी कला विच है। इसे दौरान हालात तेजी नाल बदल गए, एक होर काला दौर आया, ओह सी मीर मनु दा। भावे मीर मनु बहुत जालम सी, पर उस दी हकूमत विच सिखां दा एक हमदर्द मौजूद सी, ओह सी दीवान कौड़ा मल। हाहाहाहाहाहाहा
मैं मीर मन्नू जिसने अब्दाली दे दंद खट्टे कर दिते लखपत राय नू पेश किता जाए। लखपत राय तू अब्दाली नाल रल के साडे नाल गद्दारी कीती है, तू हकूमत दा मुजरम है लखपत राय, मुजरम। मेरी जान बख्शी कर दीती जाए हजूर। तेरी जान बख्शी हो सकती है पर तेनू 30 लाख रुपए हरजाने वजो सरकारी खजाने विच जमा कराने पैणगे। हजूर मैं इन्नी रकम नहीं दे सकता। फिर तेरी जान बख्शी भी नहीं हो सकती। जे लखपत राय नू मेरे हवाले कर दिता जाए ता मैं 30 लाख रुपए देने नू तैयार हाँ। कौड़ा मल बहुत महंगा सौदा कर रहे हैं। ठीक है तुसी 30 लाख रुपए खजाने भी जमा कराओ। हजूर ये 30 लाख रुपए की हुंडी। ठीक है लखपत राय तुहाडा, तुसी जो सलूक चाहो इस नाल कर सकते हो। चल लखपत राय सिंघा कोल चल। जत्थेदार जी यही है वो दुष्ट जिसने नखास चौक विच हजारा बेगुना सिखा नु कतल किता। यही है वो लखपत राय जिसने गुरुद्वारे ढाए अते गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कीती। यही है वो दुष्ट जो कानू वान दे कल्लू घर दा जिम्मेदार है। वड्डा मुजरम तुहाडे हवाले है, तुसी जो चाहो इस नु सजा दे सकते हो। इस नु कुत्तियां को पड़वा दियो, इस कमीने दी बोटी बोटी कर दियो। नहीं इस पापी नु अजही सजा दियो ताकि गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबी करण वाले दा हशर लोकां नु रहंदी दुनिया तक याद रहे। एनु कुंभी नरक दी सजा दिती जाए। ओ किस तरह सरदार जी, इस नीच दुष्ट नु पखाने वाले टोए विच सुट दिता जाए जिथे इस उपर पखाने दा गंध पैंदा रहे। ठीक है संगत दे फैसले अनुसार कारवाई कीती जाए। मारो इसनु, मारो इसनु, मारो इसनु, मारो इसनु। लखपत राय अपनी करनी दा फल भुगता होया दम तोड़ चुका सी। इसे समय अब्दाली ने एक बार फिर हिंदुस्तान उते हमला कर दिता पर इस बार मीर मन्नू हार गया ते दीवान कौड़ा मल भी लड़दा होया मारिया गया। पंजाब हुण अफगानिस्तान दा हिस्सा बन गया सी। मीर मन्नू ने अब्दाली दी अधीनगी कबूल कर ली ते उस नू एक बार फिर अब्दाली दी तरफों लाहौर दा सूबेदार थाप दिता गया ते हुण उस दा इको एक दुश्मन सी खालसा पंथ। अदीना बेग जानते हो सी छोटियां तोपां किस लई बनवाईयां ने? दुश्मन दे खात्मे लई हजूर। इस वेले केड़ा दुश्मन है साडा? सिख हजूर, होर ता हुकूमत दा कोई दुश्मन है ही नहीं। हुजूर हुजूर क्योंकि ये छोटियां तोपां सिखां दियां छुपनगाहां जंगलां बेलियां विच आसानी नाल पहुंचाईयां जा सकदियां ने। अदीना बेग तू भी बहुत अकलमंद है। ये ता हुजूर दी जरा निवासी है। अदीना बेग तोपचियां दा दस्ता लेके जाओ ते दुआबे विचों सिखां दा खात्मा कर दियो। ते याद रखियो मैं जुबानी कारवाई च यकीन नहीं रखदा, मीर मन्नू नू सबूत वजों सिखां दे सिर चाहिदे ने। हुजूर सिखां दे सिरां दा तां मैं ढेर ला दियांगा ढेर। ते माझे दे सिखां दा शिकार मैं खुद करांगा। सादिक बेग किन्ने को सिख कतल किते जा चुके ने? हुजूर हजारा ही, जवान बच्चे बुजुर्ग कोई नहीं छड्या। ओ देखो सामने नखास चौक विच किन्ना उच्चा ढेर लगा है सिरां दा। बस आ छोटे छोटे बच्चे ते औरतां ही बाकी ने ते इना तो सिखां दा ठाउं टिकाणा पता करन लई तफ्तीश जारी है।
मैं मीर मन्नू सिखा दा बीज नाश कर देंगा, इना दे बच्चियां दे टुकड़े टुकड़े कर देंगा। साधक बेग, ये औरता की गारियां ने मन्नू साड़ी दात्री, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वड़दा असी दून सवाए होए। अच्छा, मैं जिन्ना इना नू मारदा हे दुकड़े होके जम पेंदे ने, मां इना दी औरता नू बांझ बना दवांगा ताके फिर दुनिया च कोई सिख पैदा ही ना हो सके। हजूर हजूर हजूर, खबर मिली है कि लाहौर दे नेड़े सिख तिलक नगर विच छुपे हुए ने, कहंदे ने जस्सा सिंह आलू वालिया दा जत्था है। अच्छा, इना दा शिकार ता मैं खुद करांगा, सिपाहियों कूच किता जाए। मीर मन्नू दे मरण नाल कुछ सा आ गया लगदा है। हाँ, बड़ी अत चुकी हुई सी उसने, होर ता होर छोटे छोटे बच्चियां ते बीबियां नू भी नहीं बख्शिया सी उसने, टोटे टोटे कर दिते सी छोटे छोटे बच्चियां दे। पिछले 40 साल च सिंगा ने बहुत शहीदियां दितियां ने। सिंह जी, किन्ने कु सिंह शहीद हो चुके ने हुण तक? लखा ही। सिंगो, इना शहीद सिंगा नू रोज अरदास करदिया याद कीता जाए। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े, आर्या नाल चीरे गए, दिन्ना दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। सिंगो, घबराना नहीं, ए आजादी दी लड़ाई है, पता नहीं अजे होर किन्ने कु सिर लगने ने, पर गुरु साहब दे बचन सच हो कह रहेंगे, राज करेगा खालसा। जत्थेदार जी, राम रौनी ता मीर मनु ने ढा दित्ती सी, खालसा फौजा नू ठहरन ली किला ता चाहिदा है। खालसे दे हुकम दी लोड़ है, उस राम रौनी नू ता असी हुण किला रामगढ़ बना देंगे, साडी मिसल च बहुत ही सियाने कारीगर मौजूद ने। सरदार जी, तुसी टट्ठी होई राम रौनी दी थां किला रामगढ़ उसारो, तुहानू रामगढ़िया कह के बुलाया जाएगा। बवे जत्थेदार जी, अब्दाली एक बार फिर हिंदुस्तान उते चढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, सिंगो, असी अजे अब्दाली नाल सिद्धी टक्कर नहीं ले सकते, पर सिंगो उस दे काफले दे नेड़े मंडराउंदे रहो, ते जिथे भी मौका मिले छापा मार के लुटिया होया माल खो लिया जाए। हरिओम हरिओम हरिओम, लाजो लाजो रानी, जल्दी से आ जाओ, इस बार तो मैं तुम्हें सोने के झुमके बना कर दूंगा। अजय छोड़ो भी, हर बार कह देते हो, कभी बनवा कर तो दिया नहीं है, सोने के झुमके बनवा कर दूंगा, एक चांदी की पायल तक तो बनवा के दी नहीं गई अभी तक। बेटों से इतनी दक्षिणा मिली है, चांदी की पायल के साथ साथ मैं तुम्हें सोने का
हार भी बनवा कर दूंगा, पहन कर करती फिरोगी चम छमा चम 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 छमा चम चम। जल्दी करो अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाए। ओहो क्या हुआ लाजो रानी? मुझसे तेज नहीं चला जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो आराम से पांव रखते रखते चलती रहो, अंधेरा होने से पहले पहुंच ही जाएंगे। सिपाहियों पकड़ दो इन सबको। मेरी लाजो को छोड़ दो। अरे हट, मेरी लाजो को छोड़ दो। अरे तेरी लाजो को तो मैं संभालूंगा, चल मेरे साथ। छोड़ दो मेरी लाजो। छोड़ दो मुझको, छोड़ दो, बचाओ पंडित जी, बचाओ। यहाँ तो कोई भी मेरी मदद करने को नहीं है। भाई कच्छ वाले आ, भाई कच्छ वाले आ, छई 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 बाबा छई। ओ छई 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 बाबा छई, ओ मोड़ी पाई कच्छ वाले आ। ओ मेरी इरन बसरे नू गई, ओ मोड़ी पाई कच्छ वाले आ। ओ मेरी इरन बसरे नू गई, ओ मेरी इरन बसरे। पंडित जी की गल रो क्यों रहे हो? मेरी लाजो को अब्दाली के सिपाही उठा कर ले गए हैं। दुहाई है सिंह जी, दुहाई, मेरी लाजो को बचा लो। ओ हौसला रखो पंडित जी, हौसला रखो, अपा जत्थेदार जी को चलते हैं। मोड़ी पाई कच्छ वाले आ, मेरी रन बसरे नू गई। जत्थेदार जी, पंडित जी कुछ फरियाद लेके आए ने। जत्थेदार जी, मेरी लाजो को सिपाही उठा कर ले गए, मेरी लाजो को वापिस ला दो। जत्थेदार जी, मेरी लाजो को वापिस ला दो। किधर गए ने सिपाही जी? उस रास्ते। जत्थेदार जी, इसका मतलब अब्दाली दी फौजा दा पड़ा नेड़े ही है। सिंगो, प्यार बर त्यार हो जाओ, हौली हौली अगे वधना है। हौली हौली, हौली हौली। बोले पंडित जी, तुहाडी लाडो। जत्थेदार जी, ए ओ कुड़िया ने जो अब्दाली अगवा करके ले जा रहा सी। सिंगो, इना बीबिया भैणा नू भी पूरे सत्कार नाल घरों करी पहुंचा दिता जाए। ए धरती साडी है, ए पंजाब साडा है, असी किसे ताड़वी नू तियां पैना दी इज्जत नाल खिलवाड़ नहीं करन देंगे। नसीर खां जी। शाह बाबा, इस बार भी बहुत माल हाथ लगा है। हिंदुस्तान में इतनी दौलत है कि हम कितनी बार लूट चुके हैं,
मगर खत्म होने को ही नहीं आती। तभी तो इसे सोने की चिड़िया कहते हैं हजूर। नसीर खान जी। शाह बाबा, पीछे लश्कर में हमारा टूटा हुआ सामान नजर नहीं आ रहा। हजूर, पीछे ही तो। शाह बाबा, शाह बाबा, हमारा सारा सामान लूट लिया। किसने? हुजूर, सियालकोट के नजदीक चरण सिंह ने। और वो खूबसूरत लड़कियाँ? हुजूर, वो तो जस्सा सिंह आलू वालिया ने छुड़वा ली। नूरदीन, अभी वापस जाओ और चरण सिंह को काबू करो, कूच किया जाए। जथेदार जी, अब्दाली दे सिपा सलार नूरुद्दीन ते लाहौर दे सूबेदार ने भारी फौज नाल सरदार चढ़ सिंह ते हमला कर दिता है। सिंगो, कूच करो। बोले अफगानी की में भजदे जा रहे ने। जथेदार जी, उधर वेखो, अवैद खान अपना तोपखाना ही छड़ के भज गया। शुक्र है वाहेगुरु दा। सिंगो, हुण खालसा राज दी जंग आखरी दौर च पहुंच गई है। हुण असी भी तोपखाने दे मालक बन गए हां। बोले सो निहाल। उबैद खान लाहौर जा रहा है, पर उसका तोपखाना है साढ़े कोल। सिंगो, लाहौर फतेह करन दा सुनहरी मौका है, लाहौर वल कूच कीता जाए। लाहौर दे सूबेदार होंगे। सिख कौम दे महान जरनैल नू सुल्तान उल कौम कह के बुलाया जाएगा। ठहरो सिंह जी, ठहरो, अजे खुशियां मनाउन दा वेला नहीं आया। अजे ता अब्दाली दे अड्डे बाकी ने, जिन्ना छे सूबा सरहंद जैन खान ते जंडियाले दा अकल दास, जब तक इन्हां दा खात्मा नहीं हुंदा, खालसा राज दा सुपना अधूरा है। अजे तां इक होर जंग लड़नी बाकी है। जदों लाहौर फतेह दी खबर अब्दाली नूं पहुंचेगी, ओह तिलमिला उठेगा ते जोरदार हमला करेगा। खबरदार रहना खालसा जी, सब तो पहलां औरतां बच्चियां ते बुजुर्गां नूं सतलुज तो पार मालवे वल किसे सुरक्षित थां ते भेज दिता जाए। मियां नसीर खां जी। शाह बाबा, मराठा का कितना लश्कर मारा गया पानीपत में? 1,00,000 शाह बाबा। अब हिंदुस्तान से लेकर खुरासान तक एक ही बादशाह है, और वो है अहमद शाह अब्दाली। हमारी फतेह हुई नसीर खां, हमारी फतेह हुई। और मुझे वो क्या कहते हैं, बिल्ला बिल्ला। हजूर,
बड़े बेअदब लोग हैं ये। नहीं, मगर हमें सुनने में अच्छा लगता है। म्याओ। और हिंदुस्तान के लोग मेरा नाम सुनकर कांप उठते हैं। नसीर खान, जरा बताओ पंजाब वाले हमारे बारे में क्या कहते हैं? खाता पीता लाहेदा, रहंदा अहमद शाहेदा। एक बार फिर बोलो। खाता पीता लाहेदा, रहंदा अहमद शाहेदा। मतलब जो खा पी लिया वो अपना, बाकी सब माल शाह बाबा का। खाता पीता लाहेदा, रहंदा अहमद शाहेदा। खाता पीता लाहेदा, रहंदा अहमद शाहेदा। खाता पीता लाहेदा, रहंदा अहमद शाहेदा। शाह बाबा, सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया है। क्या कहा? और लाहौर का सूबेदार उबेद खां कहा था? शाह बाबा, उसको तो सिखों ने मार दिया है। सिपाहियों, कूच की तैयारी करो, मैं इन सिखों का नामो निशान मिटा के रख दूंगा। यहाँ पंजाब में तो कोई सिख नजर ही नहीं आ रहा। बाहर निकलो सिखों, सामने आओ। छिप कर हमला क्यों करते हो? सामने आओ। ये खड़ा है अहमद शाह अब्दाली, निकलो बाहर। मुखबर एक खास को बुलाया जाए। जी शाह बाबा। कहाँ छिपे हैं सिख? वो देखो शाह बाबा, कुछ सिख नजर आ रहे हैं। नसीर खान। जी शाह बाबा। कोई भी पंजाबी लिबास वाला बचना नहीं चाहिए, सबको कत्ल कर दो। पर शाह बाबा, सूबा सरहंद जैन खान के सिपाही भी पंजाबी लिबास पहनते हैं। उनसे कहो कि अपने सरों पर पेड़ के पत्ते लगा लें और चलो आगे बढ़ो। जी हजूर। अच्छा, जहाँ छिपे बैठे हैं चूहों की तरह। हाँ? बिल्ला कहते हो ना मुझे? अब तुम्हें नोचता हूँ सबको। मारो इन सबको, एक भी सिख नहीं बचना चाहिए। मार दो इनको, खत्म कर दो इनका नामो निशान, कत्ल कर दो इनको। नसीर खान। जी शाह बाबा। अब अमृतसर चलो, जब तक ये हरिमंदर रहेगा सिख खत्म नहीं हो सकते। जी चलो अमृतसर चलो। हर था जो पड़दा है।
बूटाए गड़िया विच मीहा विच सर फंद दिया नेहा विच जिथे मेरा अंदेशा ठीक ही निकलिया जी जत्थेदार जी। जे अकड़दास झंडियाले वाला मुखवरी ना करता तो ये नौबत ना आउंदी सिंह जी। किन्ने किन्ने को सिंह शहीद होए ने? 50,000 बच्चे बुढ़े औरतां जवान ते जख्मियां दी कोई गिनती नहीं। वाहे गुरु एक दिन विच एना नुकसान कदे नहीं होया। बहुत वड्डा कल्लू कारा है सिंह जी, बहुत वड्डा कल्लू कारा है। सिंगो हौसला नहीं हारना, ए आजादी दी लड़ाई है। पता नहीं किन्निया शहीदियां अजे होर होनिया ने, पर भरोसा रखो गुरु साहब दे बचन जरूर सच होंगे। सिंह जी लाल किले ते भी केसरी निशान चलावांगे। राज करेगा खालसा। सिपाहियों सिखों के हरिमंदिर पर हमला कर दो। शाह बाबा सभी सिख मार दिए, अब हरिमंदिर में कोई नहीं बचा। इस सरोवर को मलबे से भर दो, हरी मंदिर को तोप से उड़ा दो, नेस्तो नाबूद कर दो इस हरी मंदिर को। शाह बाबा ये तो मुकद्दस जगह है, इसे नेस्तो नाबूद मत करो, ये तो खुदा का घर है। नहीं, यही से सिख पैदा होते हैं, यहाँ से ही उनको ताकत मिलती है लड़ने की। जब तक ये हरी मंदिर रहेगा सिख खत्म नहीं हो सकते। शाह बाबा ऐसा मत करो, खुदा का कहर नाजिल होगा। खामोश नसीर खां, तोप जी तोप चलाओ। शाह बाबा हरी मंदिर नेस्त तो नाबूद हो गया। एक तोप और चलाओ। शाह बाबा ये क्या हुआ? शाह बाबा सिपाहियों जल्दी आओ, मेरे माथे पे कुछ लगा है नासिर। ओह हरिमंदिर की ईंट लगी है, खुदा खैर करे। शाह बाबा चलो चलो अब काबुल लौट चलें। चले चलो। दरबार साहब नू तोपा नाल उड़ाउण समय एक इट अब्दाली दी नक ते जा वजी सी, ए जखम ही बाद च अब्दाली दी मौत दा कारण बनिया। वड्डे कल्लू कारे विच सिंघां दा भारी जानी नुकसान होया, सारे ही सरदार जख्मी होए।
पर सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया की अगवाई विच सिंह जल्दी ही संभल गए ते उन्हां ने 3 महीने बाद ही सरहंद दे सूबेदार नूं करारी हार दित्ती। सिंगो वड्डे कल्लू कारे दे 3 महीने बाद असी मुक्तसर साहब विच 71 होए आ। लगदा है हुण तक ता साडे जख्म ठीक हो गए होणगे। जी जथेदार जी। जथेदार जी असी ये लड़ाई क्यों हारे? सिंगो ए हार नहीं, ए ता मैदाने जंग दे सबक ने, मैदाने जंग दी सिख्या है। एक ता ए के सानू बचा दी लड़ाई लड़नी पई, क्योंकि वहीर विच औरतां बच्चे बुजुर्ग साडे नाल सन। दूजा अब्दाली जंगी नीति विच साडे तो अग्गे निकल गया, उसने तेजी नाल अचनचेत हमला किया जिस कारण असी मार खा गए। जथेदार जी आप नूं भी तो बहुत जख्म लगे सी। सिंगो शरीर नूं लगे जख्म तो ठीक हो गए ने, पर दरबार साहब नूं टा के जेड़े जख्म साडी रूह नूं दिते गए ने उन्हां विचों अजे भी चीस उठ रही है। सिंगो हिम्मत नहीं हारनी, सरहंद उत्ते हमले दी तैयारी करो, अब्दाली दा ए अड्डा भी खत्म करना है। जथेदार जी की कह रहे हो? कल्लू घारे तो बाद सिंघा दी गिनती अद्धी रह गई है, कि बचे कुछ सिंह भी मरवा दिते जान? जिन्ना पिंडा नू असी अपनी राखी विच लिया है, जिन्ना नू हिफाजत दा भरोसा दिता है, कि उन्हां नू अब्दाली दे रहमो करम ते छड़ दईए? जे सरहंद उत्ते हमला किया ता अब्दाली जैन खान दी मदद लई जरूर आवेगा। सरदारो मैनू पता है अब्दाली अजे कलानौर विच ही है, पर ओ जैन खान दी मदद ते नहीं आएगा, क्योंकि ओ जेठ हाड़ दियां तुप्पा नहीं सहार सकदा। ठीक है जथेदार जी। सिंगो ए पंजाब साडा है, असी इत्थे किसे भी विदेशी हमलावर दे पैर नहीं लगन देंगे। ए मुक्तसर दी धरती तो ही दशम पातशाह ने सूबा सरहंद नू हार दित्ती सी। आओ एक बार फिर ऐसे ही धरती तो सूबा ए सरहंद नू हार दईए। सरहंद वल कूच कीता जाए। आले दुआले दे सारे इलाके नू अपनी राखी च ले लिया जाए। बोले शाह बाबा, लगता है जख्म काफी तकलीफ दे है। हाँ मियां नसीर, ये तो नासूर ही बढ़ता जा रहा है। शाह बाबा, सिखों के हरिमंदर की ईंट है जो आपके नाक पे लगी है, हमें हरिमंदर की बेअदबी नहीं करनी चाहिए थी। तुम ठीक कहते हो नसीर। शाह बाबा बहुत बुरी खबर है। जल्दी बताओ क्या हुआ। शाह बाबा, सिखों ने सारे पंजाब पर कब्जा कर लिया है। लाहौर, जलंधर, सरहंद, सियालकोट सब सिखों के कब्जे में है। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। जितना भी मारो ये सिख बढ़ते ही जाते हैं। शाह बाबा, ये सिख तो कोई गैबी बला है, यह तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। मेरी मानो,
इनके साथ सुलह कर लो। ठीक है, हमारे एलची को उनके पास भेज दो, हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और लाहौर की हुकूमत उनको बख्शीश में देना चाहते हैं। जथेदार जी, अब्दाली दा एलची मिलना चाहुंदा है। अच्छा, भेज दियो। आदाब सिंह साहब, आदाब। शाह बाबा ने ये तोहफे खास साहब के लिए भेजे हैं। ये काबुल के खास बादाम, ये काजू और ये किशमिश। ओए, असी काजू बादाम नहीं खांदे, साडे लई तां पुज्जे छोले ही काजू बादाम ने। ये काबुल का बारीक पश्मीने का दुशाला है सिंह साहब। सानू इना दुशालियां दी लोड़ नहीं, जल्दी काम की बात करो, क्या चाहते हो? सिंह साहब, शाह बाबा का पैगाम है कि जो पीछे हुआ उसे भूल जाओ। की कहा? कि असी कल्लू कारण भूल जाइए, जदो 50,000 बच्चियां बुजुर्गां नू तुसी कतल कीता सी। शायद असी ये भूल जांदे, पर दरबार साहब ते कीते हमले नू असी कदे नहीं भूल सकते। सिंह साहब, शाह बाबा पंजाब की पातशाही आपको बख्शना चाहता है। खबरदार, एक लफ्ज भी होर बोलिया ता, पातशाही ता सानू साडे गुरु ने बख्शी है, अब्दाली कौन हुंदा सानू पातशाही देण वाला? ए पंजाब साडा है, ए धरती साडी है, ते असी इस धरती दे जाए इस दे मालक हां। चला जाए इथों, नहीं चाहिदी सानू अब्दाली दी गुलामी। जथेदार जी, अब्दाली अमृतसर वाल आ रहा है। सिंगो, अज मौका आ गया अमो सामने लड़ाई करन दा। पहला ता असी मारो ते नस जाओ दी लड़ाई लड़दे सी, क्योंकि साड़ी गिनती घट सी ते साडे कोल वधिया हथियार भी नहीं सन, पर हुण खालसा तकड़ा हो गया, हुण असी सिद्धी लड़ाई लड़ांगे। साडे कोल तोपखाना, चंपूरे, रैकले सब मौजूद ने। सिंगो, अज है भी दिवाली दा दिन, अज आतिशबाजी नहीं, बंदूकां चलनगियां, बंदूकां दे पटाके चलनगे। शाह बाबा, दिन में ही अंधेरा हो गया। शाह बाबा, ये सिख तो कोई गैबी बला है। शाह बाबा, दिन में ही तारे दिखने लगे हैं। भाग चलो, भाग जाओ शाह बाबा, भाग जाओ यहाँ से। भागो, भागो यहाँ से। नसीर, मुझे ले चलो यहाँ से, नहीं तो ये सिख हम सबको मार डालेंगे। निकलो यहाँ से, भागो। भाग चलो यहाँ से, नहीं तो ये हम सबको मार डालेंगे। भाग चलो यहाँ से। जथेदार जी, खालसे दी फतेह हुई है। ओ देखो, अब्दाली दिया फौजा हार के पचदिया जा रही है ने।
दुश्मन दियां लाशां कीवें खिलरियां पईयां ने। सिंगो, अब्दाली दे मारे गए फौजियां नूं ओना दे रस्मो रिवाज अनुसार दफना दिता जाए। जथेदार जी, अब्दाली दा सिपा सलार गिरफ्तार कर लिया गया ते बहुत सारे फौजी भी। क्यों भाई, कित्थे है तेरा शाह बाबा अहमद शाह अब्दाली? सिंह साहब, वो कतलेआम से डरकर भाग गया। वो दूजे नु ही मारना जानदा सी, अपनी मौत तो किन्ना डर लगदा है। जथेदार जी, इना अफगान बंदियां नाल की सलूक किया जावे? इना तो सरोवर दी कार सेवा करवाई जाए ते रिहा कर दिता जाए। शुक्रिया सिंह साहब, खुदा आपको सलामत रखे। चलो ए, जेड़ा मलबा तुसी दरबार साहब दे सरोवर च सुटिया सी उसनु हुण आप ही बाहर कड्डो। मेहरवान साहिब, मेहरवान साहिब मेरा, मेहरवान जी सकल को का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी, गुरु पातशाह दी अपार बख्शिश सदका अज दर्रा खैबर तो लैके जमुना दे कंडियां तक खालसे दा डंका वज रहा है। पंजाब विचों मुगलां ते अफगाना दा सफाया हो चुका है। ओ खालसा, जेड़ा कदे जंगलां च रह के दिन कटी करदा सी, अज अपनी जन्म भूमि दा मालिक आप है। अज गुरु पातशाह दे कहे बचन सच हो गए ने, राज करेगा खालसा। सिंगो, सरदारो, गाजियाबाद, फरुखाबाद, बुलंद शहर ते खुरजा तो जो भी मालिया ते राखी खालसे नु हासिल होई है, उस विचों गुरु घर दा दसवंद गुरु दी चादर विच पा दिता जाए। जथेदार जी, सारिया मिसलां दा कुल 15 लाख रुपया दसवंद रूपी च इकट्ठा होया। सिंह जी, आलू वालिया मिसल दी किन्नी आमदन वसूल हुई है? कुल 9 लाख रुपए। ए सारी दी सारी रकम दरबार साहब दी उसारी लई गुरु की चादर च पा दिती जाए। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है। आओ सिंगो, सारे रल के टठे हुए दरबार साहब दी मुड़तो उसारी करिए। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सरदार जी, सारे ही सरदार हाजिर ने, क्यों ना अगली मुहिमली कोई फैसले ले ले जान। ठीक है सिंह जी, आओ सारे मिल बैठ के मशवरा करिए। बैठो बैठो बैठो।
खालसे दियां सारियां प्राप्तियां सुल्तान उल कौम जत्थेदार सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी दी अगवाई करके संभव होईयां ने। हर मोर्चे ते सिंह साहब मोरी होके लड़े हन। वड्डे कल्लू घारे वेले तां आप दे शरीर ते 22 फट लगे सन। बघेल सिंह ओ फट तां कदों दे ठीक हो गए ने, नाले मैदाने जंग विच शरीर ते फट लगन नाल शरीर पवित्र हुंदा है। वाहे गुरु आप जी ते मेहर भरिया हाथ रखे। सिंगो सरदारो भावे पंजाब दा सारा इलाका खालसे दी राखी हेठ आ गया, लाहौर उत्ते केसरी निशान झुल चुका है, पर अजे तक दिल्ली दे लाल किले ते केसरी निशान नहीं झुलिया। दिल्ली विच गुरु साहिबान दियां यादगारां ते गुरस्थान नहीं बन सके, इसलिए सानू पूरी ताकत नाल दिल्ली उत्ते हमला करना चाहिदा है। सरदार जी पिछले समय च 15 वार दिल्ली ते हमला कीता जा चुका है, पर एक वारी भी कामयाबी नहीं मिली। बार बार हमला करके सानू अपनी ताकत जाया नहीं करनी चाहिदी। नाले सरदार जी लाल किला बहुत मजबूत है, भारी तोपखाना मुगल सेना कोल, उन्हां दी गिनती भी साडे नालों वध है। सानू दिल्ली ते हमले दा ख्याल छड्ड ही देना चाहिदा है। सिंगो सरदारों एह की सुन रहा मैं, खालसा ता हमेशा चढ़ दिया कलां विच रहिंदा है, पर तुसी ढहिंदियां कलां विच क्यों जान लग पए हो? ठीक है पिछले समय विच दिल्ली उत्ते 15 वार हमला किता गया पर कामयाबी नहीं मिली, की नाकामयाब होन पिछों लड़ाई छड्ड देनी चाहिदी है? नहीं खालसा जी नहीं, फतेह होन तक लड़ाई जारी रहनी चाहिदी है, निश्चय कर अपनी जीत करो। सरदार बघेल सिंह जी असी इस कारज लई पूर्ण सहयोग देंगे। सरदार बघेल सिंह जी साड़ी आलू वालिया मिसल पूरी ताकत नाल आप दे नाल होएगी। सिंह साहब जी आप समुची कौम दे जत्थेदार हो, ए मुहिम आप जी दी अगुवाई विच ही सर कीती जाएगी। ठीक है बघेल सिंह जी, तुहाडी मिसल दा इलाका दिल्ली दे नाल लगदा है, तुहानू इलाके दी चंगी जानकारी भी है, नाले तुसी पहला कई बार दिल्ली ते हमला कर चुके हो, इसलिए मुहिम दी कारवाई दी योजना तुसी खुद ही तैयार करोगे। ठीक है सिंह साहब जी, आप जी दी मिसल अजमेरी दरवाजे वाले पासे तो हमला करेगी ते रामगढ़िया मिसल दखन वाले पासे तो हमला करेगी। ठीक है सरदार बघेल सिंह जी। सरदारो कूच दी तैयारी करो, जे गुरु ने चाया ता अगली मुलाकात लाल किले दे दीवाने आम विच होएगी। जथेदार जी दिल्ली फतेह हो गई है। बोले सोनिया। सिंगो सरदारो ए आओ दीवाने आम, जिथे कदे औरंगजेब अते ਸਿੱਕਾ ਫੇਰ ਚਲਾਇਆ।
ਕਹਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮ ਕਹਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਆਲੂ बोले हेलो हेलो माइक हेलो माइक माइक हेलो हेलो बोले सोनिहाल एक बारी हाथ खड़े कर गई सारे ने बोले सोनिहाल देख देख पंथ की राज करेगा मैं बेनती करा कि सन्मान होना है सारिया का सत्कार योग ज्ञानी प्रणाम सिंह जी हैड ग्रंथी साहब ते नाल ही मैनेजर साहब सत्कार योग पद्म श्री जगजीत सिंह दर्दी मेरे वड्डे वीर जिन्होंने सारा उपराला किया सरदार चरणजीत सिंह जी ग्रोवर उस स्टेज पर आन ते नाल ही संगत प्रति बेनती है पांच मिनट देखो सन्मान होना इन्हां दा ते नाल ही बेनती है सारा एक करतार टीवी यूट्यूब से तुसीं सारी उम्र देख सकते हो अपने मोबाइल दे विच्चों सत्संग जी एक सवाल पूछना तुहानू मैं सारे ने ध्यान नाल देखिया प्रोग्राम एक सवाल मेरा यह है कि बेअदबी करने वाले की सज़ा की दी गई गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां हुण भी होईयां ते उदों भी सिंघां ने सज़ा दी सी किसी नूं याद है तो मैनूं दस देना मैं बेनती करांगा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सेवक जथा मोती बाग तो सेठी साहब नूं ते खालसा शताब्दी कमेटी वालों कोचर साहब ते नरिंदर सिंह नूं बेनती है वी स्टेज ते आउण पद्म श्री जगजीत सिंह दर्दी अज का यह समागम जो सारा विशेष करके सरदार चरणजीत सिंह जी ग्रोवर उन्होंने एकदम किया तो 24 घंटे के भी सारी तैयारी हुई उन्होंने धन्यवाद नाल ही खालसा शताब्दी कमेटी उन्होंने धन्यवाद श्री गुरु तेग बहादुर सेवक जत्था उन्होंने धन्यवाद खालसा अकाल पुरख की फौज उन्होंने धन्यवाद मैं सेठी साहब को बेनती करांगा सारियां नूं वारी वारी बुलाया जाए सन्मान किया जाए संगत प्रति बेनती है कि उन्हों की हौसला अफजाई लिए जकारे लाने सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद संगतां दा जे तुहानूं बहुत वधिया लगा एक वारी फिर जकारा ला दो बोले सारी टीम नूं बेनती है कि आन की कृपालता करो नाल नाल सेठी साहब मुलाकात कराणगे ते नाल नाल सिरोपा देणगे सारे कलाकारों नूं बेनती है जल्दी तो जल्दी स्टेज पर आ जाओ बेटे जल्दी रिपन खुल्लर जी जिन्हें लखपत राज का रोल भी किया और कई रोल किए छोटे छोटे बहुत वधिया आर्टिस्ट ने इन्हां वास्ते जयकारा हो जाए सारे आर्टिस्ट पटियाला दे सारे लोकां ने तुहाडे दिन ने विचरदे होणगे तुसीं शायद पहचान लिओ जगजीत आ दो बच्चे साडे नवें आए ने चलो बेटे अगे अमनजोत जिसने लखपत राय का जसपत राय का कतल किया मैडम मंजू सैनी जिसने साडे सारयां दा मेकअप किया साडी कॉस्ट्यूम दा डिजाइन किया अजय शर्मा जी जो फिल्मी कलाकार ने लेकिन साडे नाल हमेशा हाजिर हो जाते हैं बड़े रुझेवे ने शूटिंग चलदी रहना दियाँ बहुत वधिया आर्टिस्ट ने इस प्लेज भावें इन्हों का कोई वड्डा रोल नहीं सी लेकिन सारयां दी जिहड़ी जस्सा सिंह आलू वालिया की आवाज़ की डबिंग सी वाह कमाल वो इन्हों की आवाज़ सी राजेश शर्मा जी की इन्हों वास्ते एक जयकारा जरूर होना चाहिए सत श्री करण सनौर का सनौर वाले करण सनौर ये भी करणदीप सनौर तो यह भी अमरीक सिंह सनौर तो होर कि सनौर वाला एक आ भी फतेह सिंह सनौर तो जी ये चार बच्चे सनौर तो ने साडे नाल हाँ चंदन बलोच जी बहुत वधिया कलाकार ने साडे पटियाले दे रहण वाले और इन्हां दे नाल साडे नेड़े ही ने जस्सा सिंह आलूवालिया दे रोल दे विच डॉक्टर मेजर सिंह पी एच डी ने सिख हिस्ट्री दे ते इस वेले किहड़े कॉलेज चों सर एशियन कॉलेज विच पढ़ाउंदे ने ते बहुत चिर तो मेरे नाल जुड़े ने और बहुत सानू खुशी होई कि अज्ज पी एच डी करके छोटियां बच्चियां आ जाओ बेटा सिमरजीत कौर एक रश की ना बेटा रश है हाँ रशनप्रीत कौर तेरा की ना बेटा जपनीत कौर इन्हों वास्ते जयकारा जरूर होवे इन्हों के पेरेंट्स वास्ते भी जिन्होंने बड़े प्यार बच्चों को साढ़े को भेजा आओ जी नव गगन
नव गगन सिंह जी ये भी मास्टर्स कर रहे हैं तबले दे विच और साडे नाल जुड़े हुए ने बहुत वधिया आर्टिस्ट भी ने। राजन सिंह जी ये भी अपने छोटे मोटे कम धंधे करके दिन अपना परिवार का गुजारा करते हैं। विक्की चौहान सारे काम ये छोटे छोटे रोल से कभी एलची बन के आ गए कभी कुछ बन के आ गए। करण बडेरा ये भी साढ़े पटियाले ने जी आओ जी। प्रदीप कुमार जी धर्म सिंह जी हाँ जी अब्दाली यार शायद तुम पछाण लगा कि रेवन थैटी ये भी फिल्मी कलाकार ने और साढ़े नाल स्पैशल टाइम कट के साढ़े को आए ने। इन्हों की शूटिंग चल रही है उत्थे लेकिन फिर भी साढ़े को पहुंचे मैं धन्यवाद करदा रेवन थैटी जी वास्ते। आओ जी हंस मडाड़ है जी हंसपाल सिंह जी हंसपाल सिंह भी नसीर खान का रोल किया इन्होंने साढ़े नाल। हाँ जी नरमिंदर सिंह जी ये भी हिस्टरी पढ़ाते हैं जी ये तो साढ़े नाल जुड़ के सानू बड़ी खुशी हुई। जशनप्रीत सिंह जो सारी टीम तो मेरे तो बाद सारा काम कर देखता इस बच्चे वास्ते भी जोरदार एक जकारा जरूर होना चाहिए। लाइटा तो साढ़े जगजीत जी ने जो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के चो रिटायर हुए ने उन्होंने भी धन्यवाद। हाँ हाँ अरुणव शर्मा साकी जी ये शर्मा जी के बेटे जो जे बाप हो जा भूत ठीक है ना जी ये भी साढ़े जुड़ गए हैं सानू बड़ी खुशी हुई इन्होंने। होर कि बच्चे बेटे आओ इधर आओ जी हाँ हैरी हाँ हैरी डीजे वाला ये भी साढ़े नाल सी आओ जगी तुसी आ जाओ जरा। इस तो अलावा इन्ह दी आवाज़ां ने जिन्ने कलाकार ने अपनी आवाज़ां च आप ये एक्ट करते हैं इन्हां सारयां दा धन्नवाद बहुत बहुत आप संगत दा धन्नवाद। मैं हरविंदर पाल सिंह और मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर लेकिन मेरा शौक है इतिहास नूं पढ़ना ते लोकां नूं दिखाउणा तुहानूं अच्छा लग्या। मैं हुण बेनती करांगा सतकार साहिब सेठी साहब नूं कि उह आ के नाल टीम दे विच एक स्नैप्स लै लेना जी। आओ जी लाइन चो जी दरी साहब आओ जी आओ जी मने साहब अगे सारे जी बोले सो निहाओ एक फोटो लै लेना जी नाले टीम बुला लो कोई जी अगे देखो अगे देखो मने साहब अगे आओ जी मने साहब ना लो भाई। लो जी दरजी साहब ने ऐलान करता है कि चढ़दी कला टाइम टीवी दे सारे नाटक समय समय दिखाए जाएंगे तो ये नाटक भी दरी साहब बेनती है कि स्पैशल तौर पर इन दिन दिखाया जाए है दरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो बेनती है सारे नूं कि सारे ने देखना है करतार टीवी यूट्यूब से अपने तुहाडे मोबाइल दे सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुहाडी सेवा नहीं हो सकी सतगुरों ने कृपा की कि मौसम भी बहुत वधिया हो गया सतगुरु का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗਤਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਤੋਂ ਵੀਰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਗਤਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਟੀਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਾਹਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
फिर बहुत बहुत धन्यवाद समूह सहयोगी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद भुल चुक दी खिमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।